मध्य शिक्षा मंत्री के शोभा मंदिर के इंचार्ज जनाब अब्दुल्ला नजीर साहब, मध्य शिक्षा जनाब खाजा निजाम अली साहब, सदासीपेट के मजलिसी काउंसलर जनाब कुतुब साहब, जनाब वसीम साहब और जमात के तमाम महिबान मजलिस, जिम्मेदार मजलिस, नौजवान साथी हजरात जो आज सदर मोहतरम के हिदायत पर उनकी मंजूरी के बाद सदासीपेट टाउन की मजलिस की जो बॉडी पुरानी थी, कई सालों से हमारे सदासीपेट के बुजुर्ग जनाब रियाज साहब मेहनत करे, खिदमत करे और आपकी सदासीपेट के लिए हो या जमात के लिए हो खिदमत करें, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ जो आज सदासीपेट टाउन की जो नई बॉडी बनी जनाब बहुत सा हो या उनके तमाम बॉडी को मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ के सदासीपेट के हमारे काउंसलर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ और ये भी कहता हूँ नई बॉडी को कि आप सदर बनने के बाद जो जमात का दस्तूर, जमात का जो हुक्म रहेगा आप उसी के ऊपर चलेंगे, क्योंकि आप देखते होंगे खास तौर से कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा मालूम होता है, दिखता भी है, एक बार सदर बनने के बाद या जमात के जिम्मेदार को या जमात के जो काउंसलर्स रहते हैं उनसे ना मुलाकात होती ना उनसे बैठ कर बातचीत की जाती है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ की जो नई बॉडी बनी, यहाँ पर आपके सदासीपेट टाउन के अंदर मंत्री से तीन काउंसलर्स हैं, आप जब भी हफ्ते में 15 दिन में आप तमाम बैठकर राय मशवरा करकर यहाँ के जो मसायल बजाय के हों या जो भी मसायल रहेंगे आप यहाँ पर हल करने के लिए आगे बढ़कर और गाँव की और यहाँ के तमाम लोग की खिदमत करने के लिए आगे बढ़कर काम करेंगे। जहाँ तक हो सकता है आप यहाँ के मसायल हल करने की कोशिश कीजिए या नहीं तो मुझको बताइए, या नहीं तो आप हैदराबाद को आ जाइए, सदर मोहतरम रहते हैं, सदर मोहतरम से जो सकता सदासीपेट टाउन की डेवलपमेंट के लिए हो यहाँ के जो भी मसायल हैं इंशाल्लाह यहाँ के जल्द से जल्द आप हम बैठ कर मसायल हल करने की कोशिश करेंगे। फिर एक मरतबा जनाब बहुत साहब से गुजारिश करता हूँ आवाम को अपने में लेकर और यहाँ के तमाम काउंसलर्स को, यहाँ के जमात के जिम्मेदारों को और यहाँ की जो नई बॉडी बनी इन तमाम बॉडी के मेंबर से रब पैदा करकर हर वक्त बैठ कर आप तमाम मशवरा करकर यहाँ के जो मसायल हैं मसायल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। फिर एक मरतबा मैं यहाँ पर आए हुए तमाम जहराबाद के सदर जनाब अतरहमा साहब को उनकी तमाम लोग का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर आए हुए तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको भी मसायल